नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर में कभी कभी ऐसी भी समस्या हो जाती है कि जब भी हम गीजर को चालू करते हैं तो पानी में करंट आना शुरू हो जाता है और नल में भी करंट आना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर का वायरिंग करते समय अर्थिंग ठीक तरह से किया है तो कभी कभी ये करंट इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर घर में वायरिंग ठीक तरह से किया है लेकिन अर्थिंग ठीक तरह से किया नहीं है तो ये जो नल में करंट आना ये जानलेवा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हीटिंग एलिमेंट अगर ख़राब हो जाता है या फिर उसका हीटिंग एलिमेंट का कांटेक्ट गीज़र के बॉडी के साथ होता है तो ये समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक सेम प्रॉब्लम का जो गीज़र था उसका मैंने ये हीटिंग एलिमेंट निकाल के रखा है। ये हीटिंग एलिमेंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और यहाँ देखिए ये यहाँ पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो ऊपर के बॉडी को टच हो रहा है, जिसकी वजह से पानी में करंट आ रहा है और पानी के साथ साथ पानी के नल में भी करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये है नया हीटिंग एलिमेंट जो कि पुराने हीटिंग एलिमेंट के जगह पे मैं लगवाने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये पुराना हीटिंग एलिमेंट और नया हीटिंग एलिमेंट चेक करते हैं। इसके लिए मैंने सेरिस लैम्प का इस्तेमाल किया है। सेरिस लैम्प की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और जो हीटिंग एलिमेंट के दो टर्मिनल्स होते हैं उनका बॉडी के साथ किस तरह से कांटेक्ट होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए जो पुराना वाला है उसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके दो टर्मिनल्स हैं हीटिंग एलिमेंट के, पहले मैं वो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए डिम लाइट ग्लो हो रही है और जब एक वायर हीटिंग एलिमेंट और एक बॉडी को टच करते हैं तो भी ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब इसका हीटिंग एलिमेंट का जो अंदर का तार है ये बाहर के बॉडी के पार्ट के साथ टच हो गया है, जिसकी वजह से पानी में करंट आ रहा है और नल में भी करंट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये नया हीटिंग एलिमेंट है, इसका एक टर्मिनल हीटिंग एलिमेंट का और दूसरा ऊपर के बॉडी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जल नहीं रहा है। इसका मतलब ये सही है और जो पुराना वाला डैमेज हो चुका है इसका बॉडी और अंदर का हीटिंग एलिमेंट एक दूसरे से शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हीटिंग एलिमेंट हमने चेक कर दिए हैं और इसी हीटिंग एलिमेंट की वजह से पानी में करंट आता है और नल में भी करंट आता है। ऐसी हालत में टेक्नीशियन को बुला के जल्द ही इसका कॉइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी आपके घर में अगर अर्थिंग ठीक तरह से नहीं किया है तो ये थोड़ा जानलेवा भी हो सकता है। ये देखिए ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको मैं एक पुराने वाले हीटिंग एलिमेंट की जगह लगवाने वाला हूँ इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों यही एक कारण है हीटिंग एलिमेंट जिसकी वजह से पानी में करंट आता है और नल में भी करंट आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।